हेलो गाइस, मैं पीके ठाकुर, स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीपी एजुकेशनल ट्रिक्स में। इससे पहले मैंने एक कमेंट बॉक्स वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया था कि सर एलएफ मतलब कि केवाईपी में जॉब कैसे ले, एलएफ का जॉब जो होता है वो कैसे लेना है, केवाईपी करने के बाद आप जॉब कैसे ले पाओगे। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूँ, तो आज मैं पूरा बताने वाला हूँ कि आपको केवाईपी में जॉब किस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केवाईपी में जो होता है नॉर्मली एक जॉब होता है एलएफ का। एलएफ मतलब लर्नर फैसिलिटेटर। अगर आप केवाईपी किए होंगे तो आपको पता होगा कि वहां पे पढ़ाने के लिए कुछ टीचर्स होते हैं, तो वही होते हैं एलएफ। एलएफ मतलब लर्नर फैसिलिटेटर, जो आप लोगों को फैसिलिटीज देते हैं, पढ़ाते हैं, वही तो वही जॉब होता है। वह जॉब करने के लिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको पूरा प्रोसेस से अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको एलएफ का पता चल गया, लर्नर फैसिलिटेटर होता है जो कि पढ़ाता है वहाँ पे। ओके, अब ये जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप केवाईपी किए होंगे तो जिस सेंटर से आपने केवाईपी किया है, ठीक है, वहाँ पे जाइए और उस सेंटर से कनेक्ट करिए, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, किसी दूसरे सेंटर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप वहाँ से जाइए, पता करिए कि अगर वहाँ पे टीचर की कमी है या फिर वो चाहते हैं कि और टीचर बढ़ाया जाए, तो अगर उनके पास जगह है, अगर वो चाहते हैं कि जॉब हायर कर सके, तो उनसे बात करिए। उनसे बात करने के बाद ही आपको या किसी सेंटर के द्वारा ही मिलेगा, वैसे आप नहीं ले सकते हो। तो उनसे बात करिएगा, अगर वो तैयार है तो आपको क्या करना होगा, एक फॉर्म अप्लाई करना होगा। उस फॉर्म को अप्लाई करने के बाद एग्ज़ाम का डेट आता है। डेट आने के बाद आपको क्या होगा कि आपके फ़ोन नंबर पे जो है ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, और संभवतः हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम उसी सेंटर पे हो। आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, वो एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप वो एग्ज़ाम अच्छे से दे दोगे तो आप अगर पास कर जाते हो तो आप वहाँ से रजिस्टर्ड एलएफ हो जाओगे, आपको वो जॉब मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा, एग्ज़ाम जो होते हैं वो तीन तरह के एग्ज़ाम होते हैं। उसका पहला जो एग्ज़ाम होता है वो होता है वन सेट प्रोसेस पेपर, यह जो होता है 50 मार्क्स का होता है और इसमें कम से कम आपको 25 मार्क्स लाने होंगे। दूसरा जो होता है वो होता है वन सेट प्रोफिशिएंसी, वो होता है इंग्लिश का एग्ज़ाम, उसमें आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको कम से कम 12.5 नंबर लाने होंगे। और तीसरा जो होता है वो भी होता है वन सेट प्रोफिशिएंसी आईटी का, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे अभी। ये भी कम से कम 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं इसमें और आपको कम से कम 12.5 नंबर लाने होते हैं इसमें। अब ये जो इंग्लिश का है इसमें आपका इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होते हैं लेकिन नॉर्मली होते हैं, आप बना पाओगे। अगर आपने कोर्स किया है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन आप बना लोगे। उसके बाद आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसकी तो बात ही मत करिए, ये जो होता है बहुत ही हल्का होता है। आपने केवाईपी का एग्ज़ाम दिया होगा तो केवाईपी के एग्ज़ाम में जितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आईटी के, उससे भी हल्के होते हैं और सेम टू सेम वही प्रोसेस होता है, वैसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। यहाँ पे हल्के हल्के क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपको बनाना है। और एक जो होता है प्रोसेस का, वो जो पहला एग्ज़ाम होगा आपका 50 मार्क्स का, उसमें 25 लाना होता है, वो जो होता है वो उसमें बताया जाता है कि लैब में क्या होता है, आप कैसे काम करोगे, कितने एलएफ होने चाहिए, आईटी में कितने सेशंस होते हैं, एलएस में किस इतने सेशंस, मतलब वहाँ पे रख रखाव, उसका जो कंडीशन है, आप किस तरह से वहाँ पे काम कर रहे हो, आपको उसके बारे में क्या जानकारी है, ये सब जानकारी पता करने के लिए वो एग्ज़ाम होता है। तो आपको उसके बारे में जानकारी आप ले सकते हो, वहाँ से पूछा जाएगा कि कितने हेडफोन्स होने चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए, आईटी में कितने सेशंस होते हैं, ये सब पूछा जाएगा। तो आप अपने तरीके से वहाँ पे पता कर लोगे, सारे बारे में जानकारी ले लोगे और एग्ज़ाम दोगे। आप अगर पास कर जाते हो तो आपको एक रजिस्टर्ड एलएफ माना जाएगा और वहाँ के आप रजिस्टर्ड एलएफ हो जाओगे। ओके, तो आशा करते हैं कि आपको इस आंसर से संतुष्टि मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेज लेते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।